हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, तो जिनको आप करेंगे तो आप पाएंगे कि ये टिप्स आपको पहले किसी ने क्यों नहीं बताए। तो ये इतने अच्छे हैं और इतने मनोरंजक हैं कि आप इनको आराम से कर सकती हैं, इसमें कोई कठिनाई भी नहीं है और ये आपके रोज़मर्रा के काम में आने वाली टिप्स हैं। इन टिप्स को करेंगे तो आप पाएंगे कि अरे ये तो कितना सरल है, हम इसको कर सकते थे। तो ये बहुत अच्छे हैं, आपके समय को बहुत बचाएंगे। तो इन टिप्स की तरफ चलती हूँ मैं, सबसे पहले अपनी पहली वीडियो की तरफ। तो ये मैंने लिया एक पुराना टूथब्रश और उसके ऊपर डाला है मैंने हारपिक, और हारपिक डालने के बाद इस पर मैं डालूँगी पेस्ट। कोई भी पेस्ट जो आप इस्तेमाल करती हैं वो पेस्ट आप इसमें डाल सकती हैं। और पेस्ट डालने के बाद आप सोचेंगी कि हारपिक और पेस्ट का क्या काम, लेकिन हारपिक और पेस्ट भी बहुत काम में आने वाली चीज़ है। तो एक ब्रश पर मैंने हारपिक और पेस्ट डाल दिया है और डालने के बाद देखिए ये हमारा वॉश बेसिन है। जो वॉश बेसिन की किनारियाँ होती है उनमें काई जैसा जम जाता है, काला काला सा, और इतना गंदा जम जाता है कि हमारे हाथ से साफ ही नहीं होता है। तो मैं इस ब्रश पर टूथपेस्ट और हारपिक डालकर साफ़ करूँगी तो इतने अच्छे से वो साफ़ हो जाएगा। तो जो हमारी काई है जिस पर हमारा हाथ नहीं जाता है, जो किनारियाँ होती हैं वॉश बेसिन की, वो इस ब्रश की सहायता से एकदम साफ़ हो जाएंगी और एकदम चमक जाएंगी। तो इस तरह से आप अपने वॉश बेसिन को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए जहाँ जहाँ हमारा हाथ नहीं जाता था वहाँ हम ब्रश से इसको साफ़ कर लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से जो किनारियाँ थी, जो काली काली सी किनारियाँ थी, और जो इसके जो नल है, नल के आसपास जो काई जम जाती है वो भी इससे साफ़ हो जाती है। तो देखिए मैंने ब्रश से इसको रगड़ दिया है और रगड़ने के बाद मैंने पानी से इसको धुला है। तो देखिए हमारा जो वॉश बेसिन है एकदम साफ़ हो गया, जो इसके आसपास काई जमा थी, जो गंदगी जमा थी, वो एकदम साफ़ हो गई। इतनी गंदगी जमा हो जाती है कि जब हम पेस्ट करने आते हैं तो कभी कभी बहुत अजीब सी गंद आती है बाथरूम में। तो इस तरह से आप साफ़ करेंगे तो आपके बाथरूम से गंद भी चली जाएगी और आपका वॉश बेसिन भी बहुत अच्छे से चमक जाएगा। तो देखिए कितने कमाल का ये हारपिक है और पेस्ट आपका, तो दोनों मिला के जब भी आपकी किनारियाँ साफ़ करनी है आपको वॉश बेसिन की, दोनों मिलाकर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा उपाय है। मैं अगले टिप्स की तरफ चलती हूँ, ये है ग्लव्स। हम अक्सर ग्लव्स इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ होती है। देखिए हमारी कंगन है, ये हाथ में नहीं जा रहे क्योंकि छोटे हैं, तो मैं ये ग्लव्स को हाथों में पहन लूँगी और हाथों में पहनने के बाद इन कंगन को अपने हाथों में पहनूँगी तो बहुत ही आसानी से ये कंगन हमारे हाथ में चले जाएंगे। तो देखिए कितने आसानी से ये कंगन चले गए, इससे पहले ये कंगन मेरे हाथ में आ ही नहीं रहे थे। तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से इस कंगन को मैंने पहन लिया है। तो आपकी बार जब भी आपके हाथों में चूड़ी या कंगन नहीं आए तो आप इन ग्लव्स को पहनकर चूड़ियों को पहन सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीका है। ना ही हाथ में चूड़ी लगेगी, ना चूड़ी टूटेगी, ना ही कहीं हाथ में ब्लड आएगा। फिर मेरी अगली टिप्स है, ये है हमारे टूथब्रश। हम कहीं सफ़र में जाते हैं तो समझ में नहीं आता ब्रश कहाँ रखे, ढूंढते रहते हैं कभी इस जेब में कभी उस जेब में, तो ये ग्लव्स बहुत काम की चीज़ है। तो ये चारों जो ब्रश हैं आप इस तरह से ग्लव्स में लगा सकती हैं, और ब्रश इस तरह से रखने से ये फ़ायदा होगा कि ये जो बहुत ही हाइजीनिक होते हैं कहीं भी गंदी जगह पर रखने पर वो हमारे लिए नुकसान भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से ग्लव्स में ये ब्रश रख दिए हैं और रखने के बाद इस तरह से लपेट कर इनको हम बैग में कहीं भी रख सकते हैं। अच्छा, जब हम चलेंगे तो हमारे ब्रश जो होते हैं गीले भी होते हैं, तो जैसे हमें कभी कभी जल्दी चलना होता है तो गीले ब्रश आप इस तरह से ग्लव्स में रख सकते हैं, आपका कोई भी सामान गीला नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छी टिप्स है, इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, आपके ब्रश एकदम सेफ रहेंगे। फिर हमारा अगला टिप्स है, ये है हमारी किचन की सिंक। ये गंदी हो जाती है, इसको भी हम ग्लव्स से साफ़ कर सकते हैं। हमारा वैसे साफ़ करने का मन नहीं होगा कि इतनी गंदी है कैसे साफ़ करें, कभी कभी ऐसा होता है काम वाली भी नहीं है, आपको घर का काम करना है, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप ग्लव्स पहन लीजिए, थोड़ा सा साबुन लगाइए और लगाने के बाद आप अपनी सिंक को साफ़ करिएगा, एकदम बढ़िया सिंक चमक के साफ़ हो जाएगी, क्योंकि ये प्लास्टिक का ग्लव्स होता है। और दूसरा, आपके हाथ में बिल्कुल भी गंदगी नहीं लगेगी और जो जाली में छोटा छोटा कूड़ा होता है वो भी आप ग्लव्स की सहायता से बाहर निकाल सकती है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने ये सिंक साफ़ कर ली, मेरा हाथ ना तो गंदा हुआ ना ही मेरे हाथ में कहीं चोट लगी, जैसे कभी कभी तिनके होते हैं हाथ में लग जाते हैं। तो इस तरह कैसे आप अपने सिंक को साफ कर सकती हैं, बहुत ही अच्छी है टिप्स है। मेरी अगली टिप्स है, ये है हमारे कप। कभी कभी कप गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो जब हम उनको उठाते हैं हमारे हाथ में खून निकल आता है, चोट लग जाती है। अच्छा, छोटे बच्चे होते हैं उनको भी चोट लगने का डर होता है, तो उसके लिए भी हम इस ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए मैंने ये ग्लव्स पहन लिया है हाथ में, और पहनने के बाद मैं इन कप के
टुकड़ों को उठाऊंगी तो मेरे हाथ में कहीं चोट नहीं लगेगी और बहुत ही ईजिली हम इन टुकड़ों को उठा लेंगे। तो देखिए मैंने ग्लव्स पहनकर इन टुकड़ों को उठाया, मेरे हाथ में कहीं चोट लगी है ना कुछ, और बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये कप के जो टुकड़े हैं वो मैंने उठा के रख दिए हैं। और रखने के बाद जो छोटे छोटे महीन महीन टुकड़े होते हैं ना वो भी किसी के पैर में लग सकते हैं, तो वो भी मैं ये जो ग्लव्स मैंने हाथ में पहना हुआ है उससे मैं अपनी स्लिप को साफ़ कर दूंगी। मेरे कहीं भी हाथ में ये टुकड़े नहीं लगे हैं। तो आपकी बार आपके कभी भी कप टूटे या कुछ भी कांच का बर्तन टूटे, आप इन ग्लव्स को पहन के साफ़ करिएगा, आपके हाथ में बिल्कुल भी चोट नहीं लगेगी। ये बहुत ही अच्छा टिप्स है, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। देखिए मेरा हाथ बिल्कुल सुरक्षित है, कहीं भी मेरे हाथ में चोट नहीं लगी और मैंने कूड़ा भी साफ़ कर दिया। मेरी अगली टिप्स ये है हमारे चावल, कभी कभी हम चावल बनाते हैं ना वो घुट जाते हैं, एकदम अजीब से हो जाते हैं, बच्चे भी खाना नहीं पसंद करते, तो मैं आपको बताऊँगी कि आप चावल कैसे बनाएं। तो सबसे पहले मैंने ये आधा घंटा पहले चावल भिगो दिया, चावल का पानी मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं चावल का जो पानी होता है एक बर्तन में करके अपने पौधों में डाल देती हूँ, पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है चावल के पानी से, और जो करी पत्ते का पेड़ है वो तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। आप चावल का पानी जब भी चावल में होए उसका पानी अपने करी पत्ते के पेड़ में जरूर डालिएगा। उसके बाद इन चावलों को हम अपने कुकर में डाल देंगे और डालने के बाद जितना पानी हमें डालना होगा उतने हिसाब से हम अपना पानी उन चावलों में डाल देंगे। तो देखिए मैंने कुकर में चावल कर दिए हैं और उसी हिसाब से मैंने उसमें पानी डाल दिया। अब इसके बाद डालेंगे हम इसमें एक चम्मच देसी घी। आपको जब भी खिले खिले चावल बनाने हो आप उसमें एक चम्मच या डेढ़ चम्मच देसी घी डाल दीजिए, चलाकर इस तरह से आप कुकर को बंद कर दीजिए। तो इस तरह से आप चावल बनाएंगी तो देखेंगे आपके चावल जो है एकदम खिले खिले आएंगे और उसमें इतनी अच्छी सी खुशबू आएगी कि आपके घर में जो मेंबर है वो तो खुश हो ही आएंगे, खुशबू से आपके अड़ोसी पड़ोसी भी भागते हुए आएंगे कि इनके घर में बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही चावलों की, चलो देखें इन्होंने क्या बनाया। तो देखिए मैंने इस तरह से देसी घी डालकर चावल बनाए, एक एक चावल मेरा खिला हुआ आया है, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू भी आ रही है। तो अगली बार आप जब भी चावल बनाएं ऐसे ही बनाएं, आपके चावल बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं और ना ही वो जो गुठली की तरह एकदम बन जाते हैं वैसे बनेंगे। आप पानी का एवरेज भी सही रखिएगा और साथ ही एक चम्मच देसी घी डाल दीजिएगा तो देखिए कितने अच्छा एक एक चावल मेरा खिला हुआ है। तो इस तरह से आप चावलों को बनाएंगे, आपके चावल बहुत ही अच्छे बनेंगे और खुशबूदार बनेंगे, देसी घी की खुशबू चारों तरफ फैलेगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा, खाना भी बहुत पौष्टिक लगेगा और साथ ही टेस्टी भी लगेगा। तो ये बहुत ही अच्छी टिप्स है, इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, इसको करने से आपके चावल बहुत ही बढ़िया बनेंगे। मेरी अगली टिप्स है ये है हमारी भिंडी। जब हम भिंडी बनाते हैं हम कभी कभी गीली भिंडी को काट लेते हैं तो वो भिंडी में जो लस होता है वो चिपक जाती है भिंडी बनते समय, और तो देखिए जी भिंडी जो है मेरी, मैंने गीली भिंडी काटी थी तो ये चिपक गई और साथ ही इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया। तो मैं ऐसा तरीका बताऊंगी कि आपकी भिंडी जो है एक एक पीस अलग हो जाएगा, तो उसमें हम डालेंगे, जब हमारी भिंडी बन जाएगी तो उसमें हम डाल देंगे आधा नींबू, और नींबू डालने के बाद हम इसको चलाएंगे तो देखेंगे जो हमारी भिंडी में जो लस दिख रहा था, जो चिपक रही थी भिंडी, वो भिंडी का एक एक पीस अलग हो जाएगा और साथ ही जो उसमें कलर है वो भी एकदम हरे रंग का हो जाएगा, काली काली सी भिंडी हो जाती ना। तो देखिए कितनी अच्छी से ये भिंडी बनी है और साथ ही जो नींबू का टेस्ट है उससे भिंडी भी बहुत स्वादिष्ट हो जाएगी खाने में। तो इस तरह से आप अपनी भिंडी में नींबू डालिएगा, आपकी भिंडी बहुत ही बढ़िया बनेगी। एक बार आप जब भी भिंडी बनाएं इसी तरह से बनाइएगा, आपकी भिंडी बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो आपको मेरी ये सारे टिप्स कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बार अगले वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। हर हर महादेव। Thank you very much.